इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों के साथ अहम मौजू पर भी एक नजर। पहले सुर्खियां। कांग्रेस भाजपा की जानिब से चुनावी इजलासों का दौर जारी। बेलगाम में फिर 50 से भी ज्यादा कोरोना मरीज पाए जाने की खबर। कन्नड़ फिल्म अदाकार दुनिया विजय ने कहा कि सियासी इजलासों में कोरोना नहीं और थिएटर को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नाजायज ताल्लुकात में रुकावट ना बने इसलिए दो मासूमों का कत्ल मामला अदालत ने दी कातिल मां को उम्र कैद। चुनावी चहल पहल में भी चोरी की वारदातों में इजाफा। अहम मौजू ये है कि क्या पाखंडी बाबाओं को लीडर बनाने वाली आवाम भी मौजूदा भारत को जिम्मेदार। एनडीए इख्तदार पसीन होने के बाद देश में जिस उग्र हिंदुत्ववाद का उभार हुआ है उसने हिंदू समाज की रवादारी यानी सहिष्णुता के परख छोड़ा दिया। इतने एक बड़े तबके को बेहिस बना दिया है। यह तबका हर उस पाखंडी में अपना कायद देखता है जिसने किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाया हो। आज ट्विटर पर नरसिंहानंद के हिमायत में ट्रेंड चलाया जा रहा है। इस्लामिक मजहबी रहनुमा मौलाना वली रहमानी के इंतकाल पर ठहाका लगाने वाले भी इसी तबके से हैं। यह माशरा बहुत तेजी के साथ अखलाक की गिरावट की ओर बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्रवाद के नशे ने इस माशरे के बहुत बड़े तबके को जहनी बीमार बना दिया। इसके लिए नफरत की सियासत जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। जब जहरीले अल्फाज उगलने वाले बाबाओं को एमएलए एमपी वजीर मिनिस्टर बनाया गया तो ऐसे बहुत सारे बाबा रातों रात पैदा हो गए जिन्होंने आईनी ओहदा हासिल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। फिर क्या था, वे नेता कायद बनते चले गए। जहरीली सोचो फिक्र के गिरोह के लिए वे रोल मॉडल बन गए और भाईचारे की बात करने वाले कायदों को हाशिए पर डाल दिया गया। जहरीले बयान उगलने वालों को सत्ता और सियासत ने भी मायूस नहीं किया। देश की 14% आबादी के मजहबी रहनुमा इनके ईमान और यकीन जो चाहे अल्फाजों का इस्तेमाल करने मजरू करने वाले नरसानंद जैसे पाखंडी बाबा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी से भारतीय लोकतंत्र को होने वाली बहुसंख्यकवाद नाम की खतरनाक बीमारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। नफरत की सियासत की कीमत इस न सिर्फ समाज को बल्कि देश को भी चुकानी पड़ती है। नरसिंहानंद जैसे जहरीले बाबा जिस गिरोह को तैयार कर रहे हैं वह उसे तशद्दुद के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए कोई और नहीं बल्कि शासन और प्रशासन का दोगला रवैया जिम्मेदार है। लेकिन अब सवाल उससे आगे कहाँ है। जब जब नरसिंहानंद जैसे तथाकथित बाबा खुद को हिंदुओं के आलमबरदार के तौर पर कायम कर रहे होते हैं तब शंकराचार्य क्या कर रहे होते हैं? क्या उन्हें आगे आकर इन जहरीले बाबाओं के खिलाफ मुहिम नहीं चलानी चाहिए? ऐसे दर्जनों साधु संत हैं जिन्हें मुसलमानों के इजलासों पर एजाज और मोहब्बत से नवाजा जाता है लेकिन वे भी ऐसे पाखंडियों के जहरीले जुमलों के खिलाफ बोलने की जुरत नहीं दिखा पाते। क्या यह डर है या उन्होंने अपनी रवादारी भाईचारगी को इन जहरीले तशद्दुदी पाखंडियों के कदमों में गिरवी रख दिया है? यकीन मानिए यही इस मुल्क के मौजूदा हालात का रोना है। जालिम की जालिमाना रवैया पर हक परस्त और भाईचारे गंगा जमुनी तहजीब का वास्ता देने वाले नाम निहाद सेक्युलर लोग इस पर खामोश बैठ जाते हैं और यही खामोशी इन पाखंडियों के हौसलों को कुवत बख्शती है। इस नाम निहाद सेक्युलर गिरोहों की खामोशी ही इस मुल्क को अंधेरे में ले जाने के लिए जिम्मेदार है और यही इस मुल्क की सच्चाई। बेलगाम शहर में कांग्रेस और भाजपा की जानिब से चुनावी इजलासों का दौर जारी है। आज कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली की जानिब से मच्छे एलूर और दिगर ग्रामीण इलाकों में चुनावी इजलासों का अहतमाम किया गया। वाजह रहे कि बेलगाम ग्रामीण में मराठी वोटरों की तादाद काफी है और सतीश जारकिहोली को यहाँ खासी हिमायत हासिल हो रही। वैसे एमईएस के नौजवान का एक चुनाव के भी मैदान में है। यलूर सुरगा पिरनवाड़ी मच्छे एक दौर में एमईएस के गढ़ हुआ करते थे। अक्सर मराठी कायदी यहाँ से जीत हासिल किया करते पर एमईएस से बदजन होकर यहाँ मुल्की सतह की सियासी पार्टियों का रुसूख रहा। अब एक बार फिर यहाँ पर सतीश जारकिहोली के लिए मराठी वोटरों की हिमायत हासिल होती दिखाई दे रही है। दिगर इलाकों में लक्ष्मी अंबाकर भी सतीश जारकिहोली के लिए चुनावी इजलासों का एहतमाम कर रही है। आज एलूर में खानापुर के एमएलए मोहतरमा अंजलि निम्बाड़कर ने शिरकत फरमाते हुए सहाफियों से कहा कि भाजपा बेनकाब हो चुकी है। आपसी इख्तलाफात भी मंजर आम पर आ चुके हैं। महंगाई खासकर खवातीन के लिए दिगर मजालिम के साथ गैस के इंतहाई दाम बढ़ाकर एक तरह से जुल्म ज्यादती करी है। अब वक्त आ चुका है कि झूठ मजहब और नफरत की सियासत को शिकस्त देकर एक नए भारत का आगाज की जरूरत है। लिहाजा सतीश जारकिहोली की जीत के लिए चुनावी इजलासों में शिरकत जारी है। वहीं दूसरी ओर मंगला अंगड़ी की हिमायत में धर्मनाथ भवन में एक अहम चुनावी इजलास का एहतमाम भाजपा की जानिब से किया गया था जिसमें जगदीश शेट्टर शशिकला जोड़े उमेश कत्ती श्रीमंत पाटिल और दिगर
दिग्गज नेताओं ने शिरकत फरमाई और भाजपा से मंगला अंगड़ी को जिताने की गुजारिश अवाम से। एक बार फिर कोरोना का साया शहर बेलगाम में मंडराने की खबर हासिल हुई है। बेलगाम जिले में फिर 50 से भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए जाने की इत्तला हासिल हुई। बेलगाम सेहत मुकमा की रिपोर्ट के मुताबिक बेलगाम शहर और तालुका में 35, अथरी में 4, रायबाग में 3, चिकुड़ी में 2, गोकाक 2, सौदत्ती में 2, हुक्केरी में 1, खानापुर में 1, रामदुर्ग में 1। बहरहाल आने वाले दिनों में सख्तियां बरतने का इशारा सेहत महकमा की जानिब से दिया गया। वजीर आला येडियुरप्पा ने फिल्म थिएटर और जिम में तादाद को घटाने की हिदायत पर फिल्म अदाकार दुनिया विजय ने एतराज करते हुए चुनावी इजलासों में कोरोना नहीं रहता जबकि चुनावी इजलासों से भी कम तादाद फिल्म थिएटर में रहती है और इससे भी कम जिम में होती है, पर चुनाव में आपको कोरोना नजर नहीं आता और दूसरी तरफ कोरोना नजर आता है, क्या ऐसा सवाल पूछा गया। वाजह रहे आवाम में कोरोना पाबंदियों को लेकर सवाल आज पूछे जाने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन के नाम पर होटलों को बंद करने के फैसले, होटल मालिकों ने एहतजाज किया। महाराष्ट्र में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया जिस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर रात में कोरोना क्यों आता है? कईयों के जहन में आज भी रात के कर्फ्यू की असल वजह समझ में नहीं आ रही कि आखिर कोरोना रात को ही क्यों आता है, ऐसा सवाल पूछते अवाम को पाया गया। गलत कामों का हमेशा गलत नतीजा ही निकलता है। बेलगाम शहर के करीब एक गांव में 2 साल पहले एक औरत ने अपने 2 बच्चों का कत्ल इसलिए किया था ताकि नाजायज ताल्लुकात में रुकावट ना बने। जब शोहर काम के लिए शहर जाता था तो खातून के गैर मर्द के साथ ताल्लुक थे। आखिर 2 मासूम बच्चों का कूल आईडी के टैग से गला घोंट कर एक लड़की और एक लड़के का उसकी मां ने ही बेरहमी से कत्ल किया। लिहाजा शोहर और पुलिस के सामने कत्ल से इसका कोई ताल्लुक ना होने की नौटंकी वो करती रही, पर कहते हैं गलत काम और गुनाह की उम्र काफी छोटी होती है। तहकीकात में पता चला कि मां ने ही बेरहमी से बच्चों का गला महज इसलिए घोंट कर मारा ताकि नाजायज ताल्लुकात में रुकावट न हो। गिरफ्तारी अमल में आई और आखिरकार बेलगाम अदालत ने आज कातिल मां को बच्चों के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। कहने का मतलब हलाल कामों में बरकत होती है और हराम कामों में जिल्लत। कुछ लम्हों का गुनाह बाज़ औक़ात जिंदगी तबाह कर देता है, दुनिया की जिल्लत और इससे बढ़कर आखरत की जिल्लत। अल्लाह कौम की बेटियों को खौफ खुदा अता फरमाए। यह सच्चाई है कि आजकल महंगे मोबाइल गुनाह को आसान करते हैं। अक्सर माशरे की बेटियों के पास महंगे मोबाइल देखे जाते हैं, बेवजह घंटों चैटिंग गैर महरम के साथ। पहचान दोस्ती इन तमाम गलत कामों का नतीजा किसी दिन जुर्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अक्सर वाकया देखने सुनने मिल रहे हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा आजादी ना दे, वरना घर वालों की इज्जत के साथ माशरे की इज्जत का भी सबब बन सकता है। बेलगाम शहर और अतराब में चुनावी चहल पहल जारी, पर चोरों के जज्बे सर्द होते नजर नहीं आ रहे। एक बार फिर संगमेश्वर नगर में चोरों ने 15 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। गौसमुद्दीन मैनुद्दीन तोरगल ने फरियाद दर्ज किया। हासिल इत्तला के मुताबिक शादी के लिए घर को ताला लगाकर 9 बजे गौसमुद्दीन की बहन गई और फिर 11 के दरमियान वापिस भी लौट आई। इसी दरमियान में चोरी हुई, लिहाजा इस काम को किसी जानने वाले ने ही अंजाम दिया है, ऐसा शक मजबूत होता जा रहा है। लिहाजा मामले को पुलिस थाने में दर्ज किया गया और पुलिस तहकीक जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।